जब हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है तो पशु बलि क्यों लेते हैं भगवान? हम सबके मन में यह सवाल रहता है कि हिंदू धर्म में मांस खाना पाप है या पुण्य? क्या कहता है हमारे हिंदू धर्म शास्त्र? इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्म शास्त्र में वर्णित ज्ञान का ना होना। क्या कहता है गीता और गरुड़ पुराण क्या कहता है? और कंफ्यूजन की बात तो यह है कि जब शास्त्रों में मांस खाना वर्जित है तो पशु बलि क्यों देते हैं लोग? पशु बलि लोगों का स्वार्थ है या अंधविश्वास शास्त्रों में लिखा है या नहीं? इन सभी रहस्यों से पर्दा हम उठाने वाले हैं आज इस वीडियो में। बने रहे वीडियो के अंत तक। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं है, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। वैसे तो भोजन में हम क्या खाए और क्या नहीं खाना चाहिए ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं। आखिर सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा चैनल पर एक नई प्रस्तुति में। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। आप इसमें सहभागी होना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। पहला है स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड के तीसरे अध्याय में बताया गया है, जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है, ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। मित्रों ऐसे भी ग्रंथ है कि मांस खाने का आदेश देता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और वर्णन मिलता है जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहाँ घास खा रहे हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति यह पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। चरक संहिता सूत्र स्थानम अध्याय 25 श्लोक 40। जीवन यापन के लिए अन्न सर्वश्रेष्ठ आहार है, जीवन देने में दूध सबसे अच्छा है और शरीर को बढ़ाने या ताकत देने में मांस सबसे उपयुक्त है। मित्र चरक संहिता भी एक पुरानी ग्रंथ है जो वेदों से निकला है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आई इस श्लोक पर नजर डालें। लगभग सभी तरह के जीवों को भोजन के विकल्प की तरह बताए जाने पर लौटें तो आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य अपनी शारीरिक जरूरत के मुताबिक उपयुक्त जीव के मांस का उपयोग दवा या पथ्य की तरह कर सकता है। आयुर्वेद की पुस्तकों में ऐसी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं मिलती, लेकिन व्याख्याकार एक अन्य धर्म पुस्तक मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देते हैं जो कुछ इस तरह है, भूताना प्राणिना श्रेष्ठाह प्राणिना बुद्धिजीविना। यानी सभी तरह के अस्तित्वों में जीवधारी मुख्य हैं और सभी जीवधारियों में मनुष्य प्रधान है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि हमारे धर्म ग्रंथ मनुष्य के जीवन या भलाई के लिए अन्य जीव के बलिदान को तार्किक मानते हैं या कम से कम पाप की तरह नहीं देखते हैं। यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान खींचने वाली है कि आयुर्वेद के ज्यादातर व्याख्याकार स्वाद के लिए मांसाहार करने को गलत ठहराते हैं, लेकिन इसके मूल लेख को द्वारा दिया गया ऐसा कोई श्लोक आयुर्वेद की पुस्तकों में नहीं मिलता है। आइए जानते हैं क्या वेदों में मांसाहार खाने से मना किया गया है। शाकाहार मांसाहार वाली इस बहस की प्रवृत्ति पर आए तो मांसाहार की आलोचना करते हुए सबसे पहले कहा जाता है कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म अहिंसा की बात करता है, इसमें किसी भी जीव हत्या को महापाप माना गया है और अपने भोजन के लिए किसी जीव को मार देना तो निकृष्टतम कर्म है। साथ ही यह तर्क भी दिया जाता है कि वेदों में मांस खाने को प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए इसे भारतीय जीवन शैली के तौर पर अपनाया जाना या उसका हिस्सा बनाया जाना उचित नहीं है। लेकिन मित्रों अगर भारतीय संस्कृति परंपरा और जीवन शैली की सबसे प्रमाणिक और प्राचीन शाखाओं में शामिल आयुर्वेद की तरफ देखें तो एक अलग ही कहानी पता चलती है।
शरीर और मन के स्वास्थ्य को साधने की सीख देने वाली आयुर्वेद की किताबों में न केवल दवा के रूप में बल्कि आहार के रूप में भी मांस का सेवन करने की बात बहुत स्पष्टता से और बार बार कही गई है। इसके उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले एक बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। वेदों की शाखा बताने वाले स्त्रोतों में से केवल चरण व्यूह स्त्रोतम में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपांग बताया गया है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे वेदों में भी मांसाहार करने की बात कही गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक आयुर्वेदीय वाङ्मय का इतिहास ब्रह्मा, इंद्र, धन्वंतरी जैसे देवों से जुड़ा हुआ है। यानी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में विश्वास और श्रद्धा रखने वालों को इसके हजारों साल पुराना होने पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। आइए जानते भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने बस में नहीं रहता है। गीता के अनुसार कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है न कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है, जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने की संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य, नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने जैसे हित चाहते हैं उसी तरह अन्य का भी हित करें। आयुर्वेद में इससे जुड़ा एक श्लोक भी है, शरीर ब्रिहणे नान्यत खाद्य मांसाद विशिष्यते इति वर्गस्तृतीयोय मांसाना परिकीर्तितः। चरक संहिता सूत्र स्थानम अध्याय 27 श्लोक 87। अर्थात शरीर को मोटा करने या ताकतवर बनाने में कोई भी और भोजन मांस से बढ़कर नहीं है। इसलिए यहाँ पर अन्न और दालों के बाद तीसरा मुख्य भोजन मांस वर्ग में आने वाली चीजों को बताया गया है। चरक ऋषि की तरह ऋषि वाग्भट्ट भी अष्टांगहृदयम के छठे अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञान में खाने पीने की इन चीजों को सात समूहों में बांटते हैं, जिसमें मांस वर्ग को चौथा स्थान दिया गया है। वहीं अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का सेवन करते हैं या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का शरण मिल सके। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले के घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है। आप जानते होंगे कि गरुड़ पुराण में 84 लाख योनि का वर्णन मिलता है, जिस तरह खाने के लिए उसने पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, आइए जानते हैं आयुर्वेद के किन ग्रंथों में मांसाहार का जिक्र है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में से सबसे प्रमुख तीन ग्रंथ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांगहृदयम है। सुश्रुत ऋषि द्वारा रची गई सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा पर अधिक जोर है। वहीं अन्य दो ग्रंथों के रचनाकार चरक ऋषि और वाग्भट्ट आहार विहार के नियमों और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जरूरी ज्ञान देते हैं।
मित्रों, यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आयुर्वेद का ज्ञान शरीर के तीन दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के उपायों पर आधारित है। वहीं मानसिक स्वास्थ्य का आकलन इस बात से किया जाता है कि मन के तीन गुणों सत, रज और तम में से रज और तम गुण कम हो और सतोगुण प्रभावी हो। एक लाइन में इन गुणों का समझें तो रजोगुण को आसक्ति से, तमोगुण को आलस्य से और सत्वगुण को आत्मज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। आयुर्वेद की पुस्तकों में मांसाहार के जिक्र पर विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहले चरक संहिता का संदर्भ दिया जा सकता है। चरक संहिता के 27वें अध्याय में अन्नपान की व्याख्या की गई है, यानी यह अध्याय बताता है कि हमारे आहार द्रव्यों, भोजन या डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। इन आहार द्रव्यों को 12 वर्गों में बांटा गया है। शमी धान्य वर्ग दालें, शुक धान्य वर्ग अनाज, मांस वर्ग शाक वर्ग, फल वर्ग हरित वर्ग, सलाद, मध्य वर्ग जल वर्ग, दुग्ध वर्ग इक्षु वर्ग, गुड़ शक्कर शहद, कृतान्न वर्ग सूप सत्तू वगैरह, आहारोपयोगी वर्ग मसाले। अगर इनके क्रम पर ध्यान दें तो मांसाहार तीसरे नंबर पर आता है। इससे जुड़ा श्लोक कुछ इस तरह है, सूक्ष्म बीज पकवान मांस शाक फल औषध है। अष्टांगहृदयम सूत्र स्थानम अध्याय 6 श्लोक 172। इन पुस्तकों में मांसाहार का यह जिक्र मांस का सेवन करने तक सीमित नहीं है। ये अलग अलग तरह के मांस को खाने का शरीर और मन पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी विस्तार से बात करती हैं। चरक संहिता के उत्तर भाग चिकित्सा स्थान में अनेक बीमारियों के इलाज पर बात की गई है। इसमें अनगिनत रोगों के इलाज के लिए पथ्य के रूप में किस जीव का मांस किस तरह से पकाकर खाना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। यह जानना दिलचस्प लग सकता है कि आयुर्वेद में 8 प्रकार के मांस का वर्णन किया गया है। इनका वर्गीकरण इन नामों से किया गया है, मृग, विषकीर, प्रतुद, बिलेशय, प्रसह, महामृग, जलचर पक्षी और मत्स्य वर्ग। मृग और प्रसह समूह में जहां हिरण, मोर, सांभर, बकरा, मुर्गा, खरगोश, भेड़ वगैरह आते हैं, वहीं विषकीर और प्रतुद समूह में तीतर, गाय, कबूतर, गौरैया समेत कई तरह के पक्षी शामिल हैं। छोटे जीवों के समूह की बात करें तो वे बिलेशय कहे जाते हैं। इनमें बिल में रहने वाले जीव चूहा, सांप वगैरह शामिल हैं। जलचर पक्षियों में हंस, झींगे, बगुले वगैरह आते हैं, तो मत्स्य वर्ग में तमाम तरह की मछलियां, सारस, शैवाल और कछुए सम्मिलित हैं। हाथी वगैरह को शामिल कर लेता है। इन सबसे अलग महामृग समूह बड़े जीवों जैसे सुअर, भैंसा। आपने यह समझ चुके होंगे कि कुछ ग्रंथ हमें इजाजत देते हैं कि मांस खाना है और कुछ वेद पुराण है जो हमें इजाजत नहीं देती है। वह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं वेद और पुराण के अनुसार कैसे आया बलि प्रथा। किस ग्रंथ में लिखा है किसी जीव जंतुओं का बलि देना, आइए जानते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे इत्यादि बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंतर्विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की देन है। हिंदू धर्म और अनेक धर्म ऐसे हैं जिनमें पशुबलि की प्रथा समर्थन पाए हुए हैं। ऐसे लोग यह क्यों नहीं सोचते कि हमारे देवताओं एवं ऋषियों ने जिस विश्व कल्याणकारी धर्म का ढांचा इतने उच्च कोटि के आदर्शों द्वारा निर्मित का है, जिनके पालन करने से मनुष्य देवता बन सकता है। मित्रों, समाज एवं संसार में स्वर्गीय वातावरण का अवतरण हो सकता है उस धर्म के नाम पर हम पशुओं का वध करके उसे और उसके निर्माता अपने पूज्य पूर्वजों को कितना बदनाम कर रहे हैं। धर्म के मूलभूत तत्व ज्ञान को न देखकर अन्य लोग धर्म के नाम पर चली आ रही अनुचित प्रथाओं को धर्म का आधार मानकर उसी के अनुसार उसे हीन अथवा उच्च मान लेते हैं, अश्रद्धा अथवा घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार धर्म को कलंकित और अपने को पाप का भागी बनाना कहाँ तक न्यायसंगत और उचित है, इस बात समझे और पशुबलि जैसी अधार्मिक प्रथा का त्याग करें।
यह तो सोचने से ही पता चलता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ ही बहुत काफिर है, तो भगवान क्यों बलि लेना चाहेगा। वह तो अति बलवान है जो दुनिया चलाते हैं, उसे बलि का क्या जरूरत। यह बलि प्रथम मुझे लगता है एक पाखंडवाद है और कुछ नहीं। बलि प्रथा का प्राचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। बहुत से समाजों में लड़के के जन्म होने या उसकी मान उतारने के नाम पर बलि दी जाती है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। तो कुछ समाज में विवाह आदि समारोह में बलि दी जाती है, जो कि अनुचित मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी गई है। यदि आप मांसाहारी हैं, तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। जो भगवान के नाम पर बलि लेते हैं और धर्म के आड़ में मांस खाते हैं, उससे बड़ा पापी इस धरती पर और कोई नहीं है। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा तर्क देने वाले लोग वैदिक शब्दों का गलत अर्थ निकालने वाले हैं। वेदों में पांच प्रकार के यज्ञों ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथि यज्ञ का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में सर्वत्र निर्दोषों के प्रति अहिंसा बरतने का ही प्रतिपादन किया गया है और सर्वत्र हिंसा का निषेध। वेदों से लेकर पुराणों तक में पशु बलि का कहीं भी समर्थन नहीं मिलता। जो लोग देवता पर चढ़ाने अथवा यज्ञ के बहाने पशुओं का वध करते हैं, वे निर्दयी घोर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यूपन छित्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमं यद्येव गमयते स्वर्गे नरके केन गमयते। यूप को काट कर, पशुओं को मार कर और रक्त की कीचड़ फैला कर यदि कोई स्वर्ग जाता है तो नरक कौन जाएगा। देव यज्ञ पितृ श्राद्धे तथा मांगल्य कर्मणि तस्यैव नरके वासो यह कुज्जिब घातन मद्व्याजेन पशून हत्वा यो यज्ञेन सह बंशुमिय तग्गान्न लोम संख्या दैरक्षि पत्र बने बसेत आत्म पुत्र कलमादि सुसंपत्ति कुलेक्षय यो दुरात्मा पशून हन्यात आत्माहीन घात्येत देव यज्ञ पितृ श्राद्ध और अन्य कल्याणकारी कार्यों में जो व्यक्ति जीव हिंसा करता है वह नरक में जाता है। इसी तरह जो मनुष्य आत्मा स्त्री पुत्र लक्ष्मी और कुल की इच्छा से पशुओं की हिंसा करता है वह स्वयं अपना नाश करता है। हमारा आज का यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा।